नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई के नए गवर्नर शक्तिकांत दास के बारे में। दोस्तों, इनसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे श्री उर्जित पटेल जी, जिन्होंने कुछ निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके बाद यहाँ पर नए गवर्नर बनाए गए शक्तिकांत दास जी। दोस्तों, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ ही मैं यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। दोस्तों, इसे RBI भी, शॉर्ट नेम इसको RBI भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? RBI भी बोला जाता है, या भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको कई नामों से जाना जाता है, जो भी आपको सही लगे, भारतीय रिजर्व बैंक या RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करते हैं। सबसे पहले स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, इसके बनने वाले पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ जी। ठीक है, कौन से पहले गवर्नर थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ जी इसके RBI के बनने वाले प्रथम गवर्नर थे। और दोस्तों, इसके बाद वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि यहाँ पर 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, कौन से? 25वें नंबर के यहाँ पर गवर्नर हैं। इससे पहले रह चुके उर्जित पटेल थे, वह 24वें नंबर के गवर्नर थे, जिन्होंने हाल ही में कुछ निजी कारणों से यहाँ पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बारे में। दोस्तों, इसकी स्थापना जो की गई थी वह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। और अधिनियम कौन सा था? तो भारतीय अधिनियम की बात करें तो अधिनियम था यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत यहाँ पर RBI की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रिजर्व बैंक केंद्रीय कार्यालय, जो यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में है कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसके बाद दोस्तों 1937 में यह स्थायी रूप से बम्बई में स्थानांतरित किया गया। यदि यह आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह हेडक्वार्टर कहाँ पर है, RBI का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह महाराष्ट्र में बम्बई के अंदर स्थापित है। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय कहलाता है जहाँ पर गवर्नर बैठते हैं और जहाँ नीति निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, यहाँ क्या केंद्रीय कार्यालय किसे कहते हैं? जहाँ पर गवर्नर बैठते हैं और यह सभी नीति निर्धारित की जाती हैं, उसे मुख्यालय बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर पूरा RBI का कंट्रोल होता है, यहाँ पर नियंत्रण होता है संपूर्ण देश में, जितने भी RBI के हर जगह यहाँ पर शाखाएँ रहती हैं, हर जगह सिटी में शाखा रहती है, हर प्रदेश में शाखाएँ रहती हैं, उन सभी शाखाओं का यहाँ से ही कंट्रोल किया जाता है हेडक्वार्टर से, जो कि महाराष्ट्र के बम्बई शहर में स्थापित है। ठीक है दोस्तों, यह प्रारंभ में जो RBI बैंक था यह एक प्राइवेट बैंक था, जिसे 1949 में राष्ट्रीयकरण होने के बाद भारत सरकार के अधीन हो गया। ठीक है, पहले जो एक प्राइवेट बैंक था जिसे 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, दोस्तों सन 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। और दोस्तों, राष्ट्रीयकरण होने के बाद यह बैंक भारत सरकार के अधीन हो गया, यानी कि यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में हो गया, आ गया था। ठीक है, यह दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर नए गवर्नर शक्तिकांत दास के बारे में। तो दोस्तों, शक्तिकांत दास पहले सबसे पहले यहाँ पर बने थे कौन? वित्त सचिव, यानी कि वित्त मंत्रालय होता है, जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय होता है उसके दोस्तों यह सचिव भी रह चुके हैं, और वर्तमान में यह वित्त आयोग के सदस्य भी हैं। ठीक है, पहले वित्त सचिव भी रह चुके हैं और वर्तमान में अभी यह वित्त आयोग के सदस्य भी हैं।
दोस्तों शक्तिकांत दास की बात करते हैं, इन्होंने 11 दिसंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया है। यह दोस्तों बनने वाले रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर होंगे, यानी कि अभी तक 1 से लेकर 24 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बन चुके हैं, जिसमें से 24वें नंबर के गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इनके बाद बनने वाले नए गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, जिन्होंने 11 दिसंबर 2018 को अपना पदभार संभाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।